हेलो प्रियंतु जी, कैसे हो आप सब। स्वागत करती हूँ फिर से अपना न्यू ब्लॉग सिब्बू की दुनिया में। तो आज का ये छोटा सा ब्लॉग है क्योंकि मैं सिब्बू को ले जा रही थी स्कूल, क्योंकि स्कूल में एडमिशन चालू है। उम्र इसका हो गया है 2.5 साल। मैं सोची एक बार पता कर लूँ वहाँ पे कि एडमिशन अभी इसका प्ले क्लास में हो पाएगा या नहीं, और नहीं भी हो पाएगा तो भी सही है, हो पाएगा तो भी सही है, लेकिन जानकारी सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। तो मैं सोची क्यों ना मैं आप लोग के साथ भी शेयर करूं कि मैं सिब्बू को ले गई हूं तो वहां पे क्या हुआ है क्या नहीं। इसके लिए मैं एक छोटा सा ब्लॉग बना रही हूँ, तो प्लीज़ आप लोग इस पर गलत कॉमेंट ना करें। और पूछते हैं सिब्बू से, सिब्बू कहाँ जा रहा है और जाने के लिए तैयार है या नहीं स्कूल। तो सिब्बू पार्क में जा रहे हो, स्कूल जा रहे हो? स्कूल नहीं जाओगे? क्यों? जाएगा ना स्कूल, पार्क में नहीं स्कूल जाते हैं। सबको बोल दो हाय फ्रेंड, हम स्कूल जा रहे हैं। बने रहिए मेरे ब्लॉग में। तो फ्रेंड मिलते हैं फिर। तो दोस्तों फाइनली हम स्कूल पहुंच चुके हैं और अभी एंट्री होना बाकी है। आगे से जो है आगे का गेट बंद था क्योंकि स्कूल में कुछ काम चल रहा है, इसके कारण हम लोग पीछे वाले गेट से जा रहे हैं। सिब्बू चलो। तो आप देख सकते हो यहाँ पे बाद में खाना है, इसके पहले चलो। अब यहाँ से हम करेंगे स्कूल में। हम टीचर से बात करने के बाद निकल चुके हैं हम घर जाने के लिए, और घर जाकर पूरा बात बताएंगे कि सिब्बू के एडमिशन के लेकर टीचर क्या बोले। और अभी फ़िलहाल आप यहाँ के स्कूल देख सकते हो, ये महाराष्ट्र में है भिवंडी में, और स्कूल का नाम मैं यहाँ पे टेक्स्ट में डाल दूँगी, वहाँ पर आप पढ़ लेना, पढ़ कर जान लेना कौन सा स्कूल है। सिब्बू निकल गया है, कहाँ? इधर चलो बेटा, इधर चलो, इधर निकलते हैं बाहर। तो हम यहाँ पे स्कूल से आ चुके हैं घर और सिब्बू खा रहा है आइसक्रीम। तो स्कूल में टीचर ये बोल रहे थे कि अभी इसका एडमिशन 3 साल का होगा तब करा लेना, और उस टाइम इससे कुछ पूछताछ की जाएगी उसके अनुसार इसके एडमिशन होगी। अगर ये प्ले क्लास में एडमिशन के लिए लायक रहेगा तो प्ले क्लास में होगी, नहीं तो जो भी जैसे इसके नॉलेज होगा उसके हिसाब से एडमिशन होगी वहाँ पे। तो टीचर ये बोले हैं कि इसका जब ये तीन ईयर्स का होगा तब इसका एडमिशन करा लेना, फिलहाल 6 महीने तक अभी घर पर रखो क्योंकि 2.5 साल का हुआ है, अभी 6 महीना वेट करना पड़ेगा इसके एडमिशन के लिए। तो अब देख सकते हो यहाँ पे आ चुके हैं हम लोग घर, और सिब्बू आइसक्रीम खाने में बिजी है क्योंकि इसका, मैं पहले वाले ब्लॉग में भी बताई हूँ, इसका आइसक्रीम फेवरेट है और जहाँ भी जाता है वहाँ पे एक ही बात बोलता है, सिर्फ आइसक्रीम खाने। और वहाँ पे मैं टीचर से हर इन्फॉर्मेशन ली हूँ
कि कितने मंथली जाएगा, कितने साल में कितने पैसे जाएंगे इसके, और सारे टीचर ने इन्फॉर्मेशन दिए हैं वहाँ का, और देखते हैं फिर। अभी 6 मंथ टाइम है मेरे पास, 6 मंथ के बीच अगर जैसा होगा वैसे इसका एडमिशन होगा। और बाकी आप लोग तो ब्लॉग में अगर बने रहोगे मेरे साथ वीडियो में, तो आप जान जाओगी कि कहाँ एडमिशन हो रहा है, और उस टाइम ही बताऊंगी मैं कि इसका मंथली कितना जा रहा है, साल के कितने लग रहे हैं, क्योंकि इस टाइम अभी तो उसमें एडमिशन हो नहीं रहा है, इसलिए मैं नहीं बता सकती। क्योंकि जब एडमिशन होगा मैं कितना दे दूँगी इसके लिए, मैं कितना करूँगी वो चीज़ शेयर करूँगी मैं आप लोग से। तो बने रहिए आप मेरे ब्लॉग में। आप लोग को पता है कि मैं न्यू चैनल बनाई हूँ, तो प्लीज़ मेरे से जो भी गलती हो प्लीज़ मुझे कमेंट में बताना, मैं सुधारने की पूरी कोशिश करूँगी। तो फ्रेंड यहाँ पे सिब्बू अब आइसक्रीम खा लिया है, और आइसक्रीम खाकर कपड़ा अपना चेंज कर लिया क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्मी है, और यहाँ पे जा रहा है सिब्बू सोने। सिब्बू कहाँ जा रहे हो? और दोपहर का टाइम 1 बज चुका है। सिब्बू कहाँ जा रहे हो? गंदी बात, गंदी बात, पैसे नहीं डाल दे मुँह में, निकालो निकालो, गंदी बात होती है ना, कैसा बात होती है, कैसी बात होती है, जोर से बोलो, गंदी बात। अब सो जाना, आई क्लोज करो। क्या है? आईब्रो है। आईब्रो बोलते हैं उसको। आई किसको बोलते हैं? आई। नोज किसको बोलते हैं? और माउथ, टीथ, उंगली से बताओ, टीथ किसको बोलते हैं? टीथ। टंग किसको बोलते हैं? और चीक, चीक। हैंड कहाँ है? लेग कहाँ है? चेस्ट कहाँ है? चेस्ट किसको बोलते हैं? बेटा इसको बोलते हैं चेस्ट। नेक कहाँ है? नेक, गर्दन। हेयर कहाँ है? हेयर। फिंगर कहाँ है? फिंगर। तो गाइस आज का यही छोटा सा ब्लॉग रहा, अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करना, और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर करें, और मिलते हैं फिर नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।